from students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English novel Goodbye Mr. Chips which is written by James Hilton. Students, हमने इसके previous lecture में हमने chapter number 5 और इसके expected question answer discuss किए थे. आज के इस lecture में हम chapter number 6 का introduction जो है वो discuss करेंगे. हमारे पास जो इस चैप्टर में डिटेल्स हैं वो क्या क्या है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कैथरीन की ज़िंदगी के ऊपर लिखा गया है जो मिस्टर चिप्स के साथ उसने गुजारी थी ब्रोकफील्ड के अंदर, और उसमें उनकी शादी कैसी थी, इट एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे बजाई गई है, और कैसे कैथरीन मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेके आई थी, एक तब्दीली लेके आई थी, और मिस्टर चिप्स को एक टोटली डिफरेंट इंसान उसने बना दिया था. तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि हिज़ मैरिज, हिज़ मीन्स मिस्टर चिप्स की शादी, वाज ट्रायम्फेंट सक्सेस, कि वो एक कामयाब शादी थी. मतलब मिस्टर चिप्स और मिसेज मिस कैथरीन, उनकी शादी जो है वो बहुत फाते थी और बहुत ज़्यादा कामयाब शादी थी. नेक्स्ट चीज़ जो हमें बताई गई है वो ये है कि जब शादी के बाद मिस कैथरीन ब्रोकफील्ड में आती हैं तो ब्रोकफील्ड को कैसे वो जीत लेती हैं, या फिर ब्रोकफील्ड के लोगों को अपना कैसे बना लेती हैं. कैथरीन वन ओवर ब्रोकफील्ड एज ही हैड कंकर्ड चिप्स. जैसे कि मिस कैथरीन ने चिप्स को फतह कर लिया था, इसी तरह वो ब्रोकफील्ड के ऊपर भी हावी आ जाती है. मींस के ब्रोकफील्ड में जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी मास्टर्स थे, बाकी असाज़ा थे, और उनकी जो बीवियाँ थीं वो उनकी फ़ैन हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. इसके अलावा वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, जो बॉयज़ थे, वो मिस कैथरीन को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उसकी इज़्ज़त करते थे. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखें, द बॉयज़ एज वेल एज मास्टर्स, ना सिर्फ लड़के बल्कि मास्टर्स मीन्स वहाँ पे पढ़ाने वाले जो असाज़ा थे, एंड इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स, और यहाँ तक कि उन मास्टर्स की बीवियाँ वर डोमिनेटेड बाय हर चार्म्स, कि उसकी किरदार की जो अट्रैक्शन थी, जो इफ़ेक्ट था, उसकी वजह से ना सिर्फ लड़के बल्कि जो वहाँ के मास्टर्स थे और उनकी बीवियाँ, वो सारे के सारे मिस कैथरीन के अंडर आ गए थे, उसके डोमिनेंट आ गए थे. मीन्स सारे के सारे लोग जो हैं वो मिस कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे. अबव ऑल, सबसे ज़्यादा शी एग्जर्टेड एंड इमेंसली ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिप्स कैरेक्टर. वो कह रहे हैं, यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के किरदार के ऊपर अपना असर डाला. अब मिस्टर चिप्स को उन्होंने एक टोटली नया इंसान जो है वो बना दिया था. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि शादी तक मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरह के इंसान थे. टिल हिज मैरिज, अपनी शादी तक, ही हैड बीन अ ड्राई एंड रैदर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन. कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो इंतहाई ड्राई, एक खुश्क मिजाज इंसान थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते थे. इसके अलावा उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर तो थी, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं था कि जो है उसकी मिसाल दी जा सके. इसके अलावा अगर हम बात करें कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी था, वो अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई भी कर सकते थे, लेकिन वो हम ये कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन थे, एक दरमियाने दर्जे के इंसान थे, इतना ज़्यादा मकबूल नहीं थे, और वैसे भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी ब्रोकफील्ड में, लेकिन उनसे जो मोहब्बत है, वो जो मोहब्बत हासिल करना चाहते थे वो उनको नहीं दी जाती थी. ही वॉज हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, कॉन्शियस, बट हिज वर्क वॉज विदाउट इंस्पायरेशन. और वो ना सिर्फ मेहनती थे बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान थे. मीन्स जो भी वो काम करते थे वो कॉन्शियस होके करते थे, बहुत ज़्यादा शऊर में करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो काम था उसमें इंस्पायरेशन नहीं थी. वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है जोश व जज्बा पैदा करने में नाकाम थे. तो इस चीज़ की कमी उनके कैरेक्टर में पाई जाती थी, और ये सारी की सारी कमियां जो हैं वो किसने पूरी की थी, मिस कैथरीन ने. मिस कैथरीन के आने के बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक न्यूली कैरेक्टर बन गए थे, एक नया किरदार बन गए थे. ही मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अब न्यू मैन. तो हम ये कह सकते हैं कि शी मीन्स कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को ना सिर्फ दिखने में बल्कि ओवरऑल मुकम्मल तौर पे जो है वो कन्वर्ट कर
कर दिया था, बदल के रख दिया था, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया था। अब जब उनकी शादी हुई उसके बाद क्या हुआ कि हिज आइज़ फ्लैश्ड, उसकी आँखें जो हैं वो अब चमकने लगी थी, उसमें एक मेहनत की, कॉन्फिडेंस की एक नई चमक नज़र आती थी। हिज माइंड बिगेन टू वर्क मोर एडवेंचरियसली, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं वो जो हैं पहले भी काम करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन अब और ज़्यादा मेहनत के साथ वो काम करने लगे, मुहिम जोई के साथ काम करने लगे। इसके साथ साथ उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी उसको भी चार चांद लग गए थे। पहले भी वो ह्यूमरस तो थे, लेकिन आपका अब उनका ह्यूमर जो है इतना मजाकिया हो गया था कि ना सिर्फ वो अपने स्टूडेंट्स को या फिर लड़कों को अपनी बात कन्वे करते थे, बल्कि वो बात जो है ना सिर्फ उनमें हंसी का बायस बनती थी बल्कि उनके ऊपर एक गहरा असर भी छोड़ती थी। नेक्स्ट चीज़ देखें, ही वॉज अबॉयड। अब मिस कैथरीन के आने के बाद मिस्टर चिप्स की ना सिर्फ इज्जत की जाती थी, उनकी एहतराम किया जाता था, बट नाउ ही बिगेन टू लव बाय दैट बॉयस। लेकिन अब लड़कों ने उनसे मोहब्बत करना भी शुरू कर दी थी कि वो ना सिर्फ मिस्टर चिप्स की इज्जत व एहतराम करते थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे। ही गेंड पॉपुलैरिटी, उसने ब्रोक फील्ड में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली थी, वो हर जबान जद्दाम आ गए थे। मीन्स ना सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट्स बल्कि वहाँ के जितना भी स्टाफ था, जितने भी मास्टर्स थे, सारे के सारे जो है मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते थे और साथ ही साथ उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और ये सारा का सारा किस वजह से हुआ था? मिस कैथरीन के आने की वजह से, मिस कैथरीन की जो पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हुआ था। हम जानते हैं कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, जबकि जो कैथरीन है वो बहुत ज़्यादा कैलिबर की मालिक थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी मिस्टर चिप्स से और बहुत ज़्यादा क्लेवर खातून थी। उसके बाद कैथरीन मेड हिम ब्रॉड माइंडेड। अब मिस्टर चिप्स जो हैं पहले कंजर्वेटिव थे, उनको पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसके अलावा औरतों के बारे में उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत रिजिड थे, बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के थे। लेकिन मिस कैथरीन जब उनकी ज़िंदगी में आई तो उनके ये जो रिजिड ख्यालात थे या फिर ट्रेडिशनल उनकी रिवायती किस्म की सोच थी वो टोटली कन्वर्ट हो गई थी, बदल गई थी। अब उन्होंने खुले दिमाग से सोचना शुरू कर दिया था। अगर वो किसी मामले में कैथरीन से डिसएग्री करते भी तो वो बिल्कुल खामोश रहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि कैथरीन बिल्कुल ठीक कह रही है या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार क्या हुआ कि ब्रोकफील्ड स्कूल ने ईस्ट लंदन में एक मिशन बनाया हुआ था, एक इदारा बनाया हुआ था जिसमें ईस्ट लंदन के गरीब लड़कों को जो है कुछ फंडिंग की जाती थी यहाँ पे। और ये फंडिंग कहाँ से जाती थी? ब्रोकफील्ड की तरफ से जाती। ब्रोकफील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे मास्टर्स थे या फिर हेड मास्टर्स या फिर बाकी जो उनकी फैमिलीज़ वगैरह थी वो डोनेशन देती थी, कुछ चैरिटी वगैरह, खैरात वगैरह, और वो डोनेशन जो है और चैरिटी उस मिशन को ईस्ट लंदन में भिजवाया जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को ये सजेस्ट किया कि पैसे देने से तो हम उनके लिए अपनी मोहब्बत को शो नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि हम उन्हें एक मैच के लिए अपने स्कूल ब्रोकफील्ड में दावत दें और उन लड़कों के दरमियान और हमारे स्कूल के लड़कों के दरमियान एक मैच खेला जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कैथरीन की सब ने मुखालफत की, मिस्टर चिप्स भी एग्री नहीं थे, लेकिन मिस कैथरीन ने जब मिस्टर चिप्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया तो मिस्टर चिप्स जो हैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गए थे। और फिर जब मिस्टर चिप्स ने बाकी स्टाफ मेंबर से बात की तो वो सारे भी एग्रीड हो गए, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे ब्रोकफील्ड स्कूल में। तो इस तरह क्या हुआ कि मिशन इन ईस्ट लंदन जो है वो वहाँ के लड़के जो हैं ब्रोकफील्ड में मैच खेलने के लिए आए, फुटबॉल का मैच, और वो मैच का नाम क्या था? सॉसर मैच था। अब उनके दरमियान मैच खेला गया और जब वो आए थे ब्रोकफील्ड में तो इनको रिसीव करने के लिए मिस्टर चिप्स खुद रेलवे स्टेशन पे गए, उनको लेके आए और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरटेन किया। उसके बाद अगर हम देखें कि जब उनके दरमियान मैच हुआ तो जो द ईस्ट एंड बॉयज़ थे जो कि मिशन ऑफ ईस्ट लंदन से लड़के आए थे वो मैच हार गए थे बाय
7 गोल्स टू 5, मतलब उनके 5 गोल थे और ब्रोकफील्ड के लड़कों के 7 गोल थे। इस तरह 7-5 से वो मैच हार गए थे, लेकिन इस वजह से कोई गड़बड़ पैदा नहीं हुई थी जैसे कि स्कूल के बाकी मेंबर्स जो हैं सोच रहे थे, कि क्योंकि वो एक लो लेवल से या फिर लो एरिया से आ रहे थे, वो यहाँ पे आके गड़बड़ करेंगे तो उनकी ये बात जो है वो गलत साबित हो गई थी। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि वो लोग जो थे वो बहुत ही अच्छी यादें लेकर यहाँ से अपने इलाके में वापस गए और कुछ अच्छी यादें जो हैं वहाँ पे ब्रोकफील्ड स्कूल में पीछे छोड़ के गए थे। मिस्टर चिप्स इनको खुद ट्रेन रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए थे, उन्हें टेक ऑफ करने के लिए गए थे। नेक्स्ट चीज़ फिर क्या हुआ कि इसके कुछ अर्सा बाद मीटिंग विद अ सोल्जर, कि मिस्टर चिप्स की मुलाकात एक सोल्जर से हुई, एक फौजी से हुई, तो उस सोल्जर ने मिस्टर चिप्स को बताया कि ये उन लड़कों में से है जो ब्रोकफील्ड में सॉसर मैच जो है वो खेलने के लिए आए थे। तो मिस्टर चिप से वो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, या फिर मुझे वो सारी बातें याद हैं जैसे हम आए थे और हमने इतनी अच्छी यादें यहाँ से लेके गए थे। तो मिस्टर चिप्स को वो जाते जाते हुए पूछता है कि मिस कैथरीन कैसी हैं। तो मिस्टर चिप्स उस सोल्जर से कहते हैं कि क्या वो आपको याद हैं, तो वो उसको कहते हैं हाँ बिल्कुल, उनकी मोहब्बत जो है वो हमें कभी नहीं भूलती और मेरे दोस्त भी उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो ये वो टाइम था जब मिस्टर चिप्स उन्हें बताते हैं कि इन 1898 में कैथरीन की डेथ हो गई थी उस मैच के तकरीबन आधा साल बाद, कि आप लोगों का जब मैच हुआ था उसके तकरीबन हाफ ईयर के बाद, आधा साल के बाद जो है कैथरीन की डेथ हो गई थी, और तब से अब तक मिस्टर चिप्स जो हैं वो अकेले हैं। तो ये तो थी आप लोगों की चैप्टर नंबर 6 की थोड़ी सी समरी या फिर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो उस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।